हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जून 2020 टर्म एंड एग्जामिनेशंस के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आपके एग्जामिनेशंस को इग्नू की तरफ से पोस्टपोन कर दिया गया था। लेकिन दोस्तों, आपने बीच में देखा कि इग्नू की तरफ से भी कुछ गाइडलाइंस जारी की जा रही थी, और साथ ही दोस्तों यूजीसी की तरफ से भी बताया जा रहा था कि इग्नू के या फिर बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं किए जाएंगे, या फिर आपको बिना एग्ज़ाम्स के ही प्रमोट कर दिया जाएगा। बीच में तो दोस्तों ऐसा एक रीज़न आया था जिसमें बताया गया था कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ही एग्ज़ाम देने होंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी में काफ़ी कन्फ्यूज़न था, इसलिए दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैंने भी आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको क्लियरली बताने वाला हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम होंगे और किन किन स्टूडेंट्स को बिना एग्ज़ाम के ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आप जैसा कि जानते हैं, 29 अप्रैल को यूजीसी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि आपको जो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको उनके असाइनमेंट के बेसिस पे या इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे या फिर जो उनके प्रीवियस ईयर में जितने भी मार्क्स हैं उनके अकॉर्डिंगली उनको मार्क्स दे के अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद में इग्नू की तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के बारे में कोई भी गाइडलाइंस जारी नहीं की गई थी। उसके बाद में दोस्तों ये बताया गया कि फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं करवाए जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये पूरा काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सिचुएशन था, और अभी फाइनली लेटेस्ट आज यूजीसी की तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं, जिसमें ये साफ साफ बता दिया गया है कि जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के हैं उनके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं, आप चाहें तो उन्हें खुद से भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको यूजीसी के पेज पे आना होगा। यहाँ पे दोस्तों, इसी पेज में आपको नीचे नोटिसेस का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें आपको आपके नोटिस के बारे में, जितने भी एग्ज़ाम्स के बारे में नोटिस जारी किए जाते हैं यूजीसी की तरफ से, उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी जाती है। सो दोस्तों, सबसे पहले तो जो यूजीसी की तरफ से आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसी के बारे में यूजीसी की तरफ से ऑफिशियली एक लेटर यहाँ पे रिलीज कर दिया गया। दोस्तों, यहाँ पे इसमें बताया गया है कि जितने भी स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हैं उनके एग्ज़ाम्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है कि उनके एग्ज़ाम्स सेप्टेम्बर एंड तक कंडक्ट करवाए जाने चाहिए। दोस्तों, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी को यूजीसी की तरफ से ये आदेश दिया गया है कि आपको सेप्टेम्बर एंड तक अपने एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाने होंगे। दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। उनके बारे में ये बताया गया है कि जो भी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स थे उन सभी के लिए जो 29 अप्रैल को जो गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसमें कि ये बताया था कि आपको प्रमोट किया जाएगा बिना किसी एग्ज़ाम के, मतलब आपके प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स हैं और आपके जो इंटरनल असेसमेंट के जो मार्क्स हैं उनके बेसिस पे आपको अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके अभी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे। दोस्तों, यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई है उन पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। यहाँ पे मेन आपके लिए कुछ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट में दिया हुआ है मोड ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर फाइनल ईयर एग्जामिनेशन 2019-20। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि आपके एग्ज़ाम्स या तो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे या फिर ऑफलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे या फिर ब्लेंडेड। ब्लेंडेड का मतलब है दोस्तों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिला के आपके एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। मतलब आपके कुछ एग्ज़ाम्स तो ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं, कुछ एग्ज़ाम्स को ऑफलाइन कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट में दिया हुआ है प्रोविज़न ऑफ एग्जामिनेशन थ्रू स्पेशल चांस। मतलब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि सेप्टेम्बर में अपने एग्ज़ाम्स में अपियर नहीं हो पाएंगे, तो उनके लिए जो उनके इंस्टीट्यूशन वाले हैं, जो उनके यूनिवर्सिटी वाले हैं, वो उनके लिए अलग से एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे। और जो स्टूडेंट को जब फिजिबल होगा, जब उसके पास में वक्त होगा अपने एग्ज़ाम देने के लिए, जब वो वहाँ पे सेफली पहुँच के अपने एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, तो उनके लिए अलग से अरेंजमेंट किया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट दिया हुआ है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैकलॉग ऑफ पेपर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ टर्मिनल सेमेस्टर्स फाइनल ईयर स्टूडेंट्स। जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर वाले हैं, अगर आपके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में किसी भी पेपर में बैक है, आप किसी भी एग्ज़ाम में फेल हुए हैं, तो वो सभी एग्ज़ाम्स आपको पास करने होंगे। मतलब दोस्तों, अगर आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के किसी पेपर में फेल हो गए थे, तो वो पेपर में आपको यहाँ पे पास नहीं किया जाएगा।
लेकिन जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले हैं उनको पास कर दिया जाएगा, लेकिन आपके अगर फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स हैं तो उनके आपको एग्ज़ाम देने होंगे, और फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के जितने भी पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं जिनमें आप फेल हो गए हैं वो भी आपको फिर से देने होंगे। दोस्तों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले थे या फिर जो मास्टर्स कर रहे हैं उनमें जो प्रीवियस ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए वही गाइडलाइंस मान्य होंगी जो कि 29 अप्रैल को 29 अप्रैल को बताई गई थी। उन्हीं गाइडलाइंस के बेस पे आपको अगली क्लास में प्रमोट किया जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में आपको मैंने क्लियरली बता दिया है कि जो भी स्टूडेंट्स फाइनल ईयर वाले हैं, चाहे आपका फाइनल सेमेस्टर है या फाइनल ईयर है, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स जो कि सर्टिफिकेट प्रोग्राम कर रहे हैं या डिप्लोमा, तो दोस्तों आप सभी के भी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप अपने एग्ज़ाम्स के लिए अभी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले हैं, जो प्रीवियस ईयर वाले हैं, वो सभी स्टूडेंट्स भी अपने असाइनमेंट बिना किसी फेल के, बिना किसी गलती के अपने असाइनमेंट्स जल्दी से जल्दी जमा करवा दीजिए। दोस्तों आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक अपना एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप नहीं किया, इसलिए दोस्तों आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म भी फिलअप कर दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट्स को यही बता रहा हूँ कि आप अगर अपने एग्ज़ाम्स देने के लिए एलिजिबल हैं तो आप अपना एग्ज़ाम फॉर्म ज़रूर फिलअप कर दें और टाइम पे अपने असाइनमेंट भी जमा करवा दीजिए। और दोस्तों जिन भी स्टूडेंट्स को अपने असाइनमेंट बनाने में कोई भी प्रॉब्लम्स हो रही है, वो सभी स्टूडेंट्स मुझसे व्हाट्सएप पर कॉन्टेक्ट करके अपने असाइनमेंट के सॉल्यूशन पीडीएफ मुझसे परचेज कर सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा। दोस्तों आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड इग्नू की तरफ से या UGC की तरफ से फिर से कोई नई गाइडलाइंस जारी की जाएंगी, तो उनकी सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे टाइम टाइम पे मिलती रहेंगी। सो दोस्तों इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके पास में नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।